कोई भी वुमन स्क्रीनिंग, अगर उसको कोई, अगर सपोज मान लीजिए कोई लंप मिलता है, कोई डिस्चार्ज मिलता है, तो आपको फॉरन अपने जनरल सर्जन को विजिट करना है, उसको जाके बताना है कि ऐसा 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 सिम्टम्स मिल रहा है। अगर आप समझ सपोज करिए कोई सिम्टम नहीं है, तो उसके बावजूद भी आपको जो है स्क्रीनिंग स्टार्ट होनी है। सीडीसी की गाइडलाइन बोलती है, जो ऑब्स्ट्रक्शन गायनोकोलॉजी की गाइडलाइन है वो बोलती है, जो कि जनरल सर्जरी की गाइडलाइंस है वो बोलती है कि स्क्रीनिंग स्टार्ट होना चाहिए 40 ईयर की एज में, 40 साल की उम्र में जो है स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए। और बेस्ट इन्वेस्टिगेशन 40 साल की उम्र के बाद जो है वो मेमोग्राफी है बेस्ट इन्वेस्टिगेशन। अगर छोटा सा भी कोई ट्यूमर अगर होगा या छोटा सा भी कोई लेजन होगा तो वो मेमोग्राफी डिटेक्ट कर लेगा। अगर 40 साल से उम्र कम है तो आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस मतलब बेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो है उस एज के लिए जो अफोर्डेबल इन्वेस्टिगेशन है वो अल्ट्रासाउंड है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो है वो क्योंकि 40 साल की उम्र के बाद ब्रेस्ट का आर्किटेक्ट, ब्रेस्ट का जो टिश्यूज है वो थोड़ा चेंज हो जाते हैं, तो उस टाइम जो है मेमोग्राफी बेस्ट होता है डायग्नोस करने के लिए, और 40 साल की उम्र से पहले अल्ट्रासाउंड बेस्ट होता है। सपोज 35 साल की उम्र है एक कोई ट्यूमर मिला, या 22 साल की उम्र है एक कोई एक ट्यूमर मिला, तो उस टाइम जो इन्वेस्टिगेशन होगा उस टाइम आपका अल्ट्रासाउंड होगा। तो अल्ट्रासाउंड अगर, हाँ सपोज एक वुमन 40 साल की है और वो प्रेग्नेंट है, मेमोग्राफी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब मेमोग्राफी नहीं करा सकती क्योंकि वो बच्चे के लिए जानलेवा हो सकती है प्रेग्नेंट वुमेन की। क्योंकि मेमोग्राफी एक तरीके का एक्सरे है, उसके अंदर रेडिएशन होती है। हाँ वो रेडिएशन अगर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हानिकारक हो सकती है, लेकिन मेमोग्राफी जो है वो नॉर्मल वुमेन के लिए जो स्क्रीनिंग में जा रही है कि उसमें बहुत कम रेज होती है, तो वो ऐसा नहीं है कि मेमोग्राफी कराने से किसी फीमेल को कैंसर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि उसमें जो गहराई होती है, जो रेडिएशन होती है, वो बहुत कम अमाउंट में होती है। तो अगर किसी फीमेल के या फैमिली हिस्ट्री है, मतलब उसकी दादी के परिवार में या नानी के परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, तो इसकी स्क्रीनिंग स्टार्ट होगी 35 की एज में। तो 35 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक वो कराएगा अल्ट्रासाउंड एवरी ईयर। आप एक डेट डिसाइड कर लीजिए कि जनवरी में कराना है कि फेबर में कराना है। हर साल जनवरी में आपको मेमोग्राफी रिपीट करानी है, या आपकी एज के हिसाब से अगर अल्ट्रासाउंड सुटेबल है तो अल्ट्रासाउंड कराना है। एज हमने वैसे ही बता दी, 40 साल से कम तो अल्ट्रासाउंड, 40 साल से ज्यादा तो मेमोग्राफी बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है डिटेक्ट करने के लिए। तो जो मेमोग्राफी की रिपोर्ट आती है या फिर अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट आती है, उसमें 5 स्कोर होते हैं, BI-RADS 1, 2, 3, 4, 5। 1 और 2 है तो आप कंप्लीटली सेफ है, मतलब अगर आपको कोई ट्यूमर मिलता भी है या कुछ स्वेलिंग मिलती भी है तो वो कैंसरस नहीं है, वो बेनाइन है, उसमें कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, ठीक है। BI-RADS 3 मिलता है तो वो थोड़ा सा 50-50% वाली चांस एक तरीके से आ गई, वो बिल्कुल हो सकता है कि बिल्कुल कैंसर नहीं भी हो और हो सकता है कैंसर हो। तो इस केस में 2 ऑप्शन है, आपको BI-RADS 3 अगर आया तो आपको जनरल सर्जन के पास विजिट करना है। अगर आपका डॉक्टर बोल भी रहा है कोई डॉक्टर कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी जरूरत नहीं ऑपरेशन की, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर BI-RADS 3 अगर आया है, मतलब 3 नंबर आया है, 3 याद रखिए, 3 अगर आया है, तो आपको जो स्क्रीनिंग आप 1 साल में कर रहे थे वो स्क्रीनिंग आप 6 महीने में करेंगे। मतलब जब जैसे आप मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड आप एवरी ईयर करा रहे थे स्क्रीनिंग में, अगर BI-RADS 3 आता है रिपोर्ट में तो आपको मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड आपको every 6 month में कराना है। बेस्ट तरीका तो यह है कि BI-RADS 3 अगर आएगा तो डॉक्टर के पास, अगर आप जनरल सर्जन के पास जाएंगे तो पक्का से आपकी FNAC करेगा, आपका बायोप्सी लेगा ब्रेस्ट का, और उसको उसकी उसको जांच के लिए भेजेगा, और उसको जांच में जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन अगर आपका डॉक्टर आपको इलाज उसमें आपकी बायोप्सी नहीं भेजी, अगर उसने FNAC नहीं करा और वो सिर्फ मेडिसिन दे रहा है आपको, तो आपको इस बात को पता होना चाहिए BI-RADS 3 का मतलब आया है, तो आपको 6 मंथ बाद आपको अपने आप ही मेमोग्राफी रिपीट करानी है, अल्ट्रासाउंड रिपीट कराना है, उसको वेट नहीं करना है। हाँ BI-RADS 4 आया या 5 आया तो मतलब है कि हाई चांसेस है, 5 का मतलब तो ये हो गया कैंसर है 100%, और 4 का मतलब हो गया कि हाँ मोस्टली हो सकता है कि कैंसर हो। तो BI-RADS 4 आ गया, BI-RADS 5 आ गया तो कंफर्म है कि कैंसर है, आपको जो है डॉक्टर के पास जाना है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बस आप आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डिसाइड करें कि जल्दी से डॉक्टर के पास विजिट करना है, अपने जनरल सर्जन के पास विजिट करना है, ताकि वो बायोप्सी सही टाइम पे भेज सके, ताकि उसको ऑपरेशन करना हो तो सही टाइम पे ऑपरेशन कर सके। क्योंकि अगर एक बार मेटास्टेसिस हो गया, मेटास्टेसिस मतलब अगर बॉडी में फैल गया, फिर बचने की चांसेस और उसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही कम रह जाती है, उसका फिर कोई फायदा नहीं। बहरहाल ये तो एक तरीके का एक्सरे है, तो कोई भी दर्दनाक वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं कि वो पेन हो रहा हो, कुछ नहीं है, तो एक टाइप का एक्सरे है।
अगर आप नॉर्मल चेक्स एक्सरे कराने के लिए जाते हैं या बोन एक्सरे कराने के लिए जाते हैं, वो जो है उस तरीके का जो है वो है, ये एक तरीके एक्सरे है, जिसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप ये सोचिए कि आप अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, अपने घर परिवार के बारे में सोचिए, उनको आपकी जरूरत है तो इसलिए आपको डरना नहीं है। अगर आप सही टाइम पे डायग्नोसिस कर लेंगे, सही टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो बचने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आप एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेमोग्राफी बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, वो एक तरीके का एक्सरे है और बहुत सस्ता प्रोसीजर है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कोई महंगा हो, जितने का अल्ट्रासाउंड होता है उतने का मेमोग्राफी, बल्कि उससे भी कम का होता है। मेमोग्राफी ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी भविष्यवाणी कर रहा हो या फिर आपकी क्या आपकी किस्मत बता रहा हो कि आपको फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेमोग्राफी एक इन्वेस्टिगेशन है। हो सकता है कि आपने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया, आपको वो जितना छोटा ट्यूमर था वो आपको पता नहीं चला। सिंपल सी बात है, अल्ट्रासाउंड जब आप करते हैं, जैसे मान लिया आपकी पेट में पथरी हो गई, आपको ऊपर से पता तो नहीं चल रही है पर आपके पेट में पथरी थी, तो आपका अल्ट्रासाउंड कराए तो आपको उस पेट में पत्थर मिल गया। सेम तरीके से एक तरीके से मेमोग्राफी है। अगर छोटा सा लेजन भी है, उसका साइज कितना है, उसकी उसकी डेंसिटी कितनी है, उसके अंदर जो मटेरियल है वो क्या है, तो ये सब पता करने के लिए मेमोग्राफी है। अगर होगा तो डिटेक्ट करेगा, अगर नहीं होगा तो डिटेक्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अगर आपने 5 साल पहले जो है करा लिया कि हमें पता करने के लिए, क्या मुझे 10 साल बाद कैंसर होगा कि नहीं होगा, तो ये डिटेक्ट थोड़ी ना करेगा मेमोग्राफी।